इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साथ साथ सभी भारतीयों और दुनिया भर की नजरें मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। भारत में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआएं मांगने का दौर जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में बच्चों के द्वारा स्पेशल नमाज अदा की गई। इस दौरान मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआएं मांगी गई। 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग होने वाली है। खुशी का माहौल है, बल्कि हम लोगों की तो ये दुआ थी जब ये लॉन्च हुआ था रॉकेट, तभी से सब दुआओं का जिक्र कर रहे हैं कि यकीन था कि ये चंद्रयान पहुंचेगा और ये पहुंच के कल दिखाएगा। और जितने हमारे स्टूडेंट हैं खुशी का मुजाहरा दिखा रहे हैं और एक बहुत बड़ी खुशी हम लोगों को महसूस हो रही है कि हमारे देश का नाम रोशन होगा कि एक चंद्रयान। और ये जो हमारे साथी हैं इनकी भी यही एक कोशिश है कि हम भी आगे चल के साइंटिस्ट बने और इसी तरह हम अपने देश का नाम रोशन करें। तो चंद्रयान लॉन्च हुआ है, बस हम लोग की यही तमन्ना और दुआ है कि वो अच्छे से चांद पे लैंड हो जाए और इंशाल्लाह लैंड भी होगा। और जब ये लैंड हो जाता है इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, इससे काफ़ी बड़ी रिसर्च आएगी इंडिया की तरफ। और हम लोग की दुआ है, अभी हम लोग ने नमाज़ में ही दुआ की है कि इंशाल्लाह अच्छे से लैंड हो जाए और जो भी हमको मालूम पड़ता है चांद पे नई रिसर्च होती है उससे हम लोग को फ़ायदा ही होने वाला है और काफ़ी इंडिया तरक्की करेगा उसके बाद। और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो। हम लोग भी साइंस पढ़ते हैं, हम लोग को भी पता है काफ़ी मुश्किल टास्क है ये इंडिया के लिए, और ये हो जाता है तो इंडिया इसरो जो है काफ़ी आगे चला जाएगा, नासा की टक्कर में आ जाएगा। चंद्रयान 3 की कल लैंडिंग साथ खैरियत के और पूरी तरीके से सेफली चांद पर हो, मून पर हो, इसलिए हमारे यहाँ भी इस्लामिक सेंटर में मदरसे में बच्चों ने नमाज में खुसूसी उसके लिए दुआ भी की। और सिंस चांद की अहमियत तमाम मज़ाहिब में, हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में भी हिंदू मज़हब में भी एक अलग है, इस वजह से इस मिशन से और भी ज़्यादा हम लोगों इससे लगा हो। और चूँकि बच्चे यहाँ पे साइंस भी पढ़ रहे हैं इस वजह से उसको लेकर के बच्चों के अंदर काफ़ी क्यूरोसिटी है। और इसके लिए मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के तमाम साइंटिस्ट को, तमाम ऑफिशल्स को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जाहिर सी बात है अगर ये लैंडिंग कज़ल सेफली हो जाएगी अनएक्सप्लोर्ड लूनर साउथ पोल पे तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली डू दिस। सो इन तमाम बातों के मद्देनज़र हम लोग की यही तमन्ना और आरजू है कि इसमें इसरो को और इसरो के साथ साथ पूरे मुल्क को कामयाबी हासिल हो।